पहले बिना बोले बिना बताए बिना प्लान के दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में रहे, कहां पर रहे, क्या सियासी हलचल थी, किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब दिल्ली से लौटे तो बिना बताए बिना कहे हेलीकॉप्टर में सवार हुए और सैलाब की सूरत हाल का अंदाजा लगाने के लिए आसमान की तरफ उड़ पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं कि वो जो करते हैं वो कहते नहीं, जो वो कहते हैं वो कर नहीं पाते। लेकिन अब तस्वीर देखिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से पटना से उड़े और उस हेलीकॉप्टर में उनके साथ सिर्फ अधिकारी थे। आमतौर से इससे पहले की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी उसमें यह था कि गठबंधन आरजेडी के साथ हो या साथ भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, हमेशा बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम की भूमिका में सुशील कुमार मोदी रहे हो या डिप्टी सीएम की भूमिका में तेजस्वी प्रसाद यादव रहे हो, लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साये की तरह अपने अधिकारियों को लेकर के चलते और घूमते नजर आते हैं। बीजेपी के दो बड़े नेता हैं और वो दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, नाम है सम्राट चौधरी, दूसरे का नाम है विजय कुमार सिन्हा। लेकिन देखिए बाढ़ प्रभावित इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक जीते हुए हैं लेकिन बीजेपी के नेता नदारद हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कई सारे ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं, दर्जनों प्रोग्राम पटना के साथ साथ बिहार के अलग अलग इलाकों में सरकार की योजनाओं का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो इस दौरान सिर्फ अधिकारी उनके इर्द गिर्द रहते हैं और बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आता। आखिरकार चल क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार किसी बड़े सियासी मिशन पर है? क्या बड़े सियासी गठबंधन के इंतजार में फिर से कहीं और जाने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि जब भी उनका ईमान डोलता है प्लान में तब्दीली आती है और उनके आसपास रहने वाले गठबंधन के नेता अलग थलग कर दिए जाते हैं। दिल्ली जब गए कोई साथ नहीं था, किसी को पता नहीं था, सुबह सवेरे उठे, नाश्ता किया, गाड़ी में बैठे, पटना एयरपोर्ट गए, हवाई जहाज से उड़ के दिल्ली पहुंच गए, वहां किन लोगों से मुलाकात की, किनसे बात हुई, क्या नाराजगी थी या प्रेशर बनाने का प्रयास किया, वहां से लौटे पटना और पटना से फिर हवाई हेलीकॉप्टर में बैठे और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां जाकर के देखने लगे कि कितना नुकसान हुआ है हमारे राज्य में और हमारी जनता को क्या क्या कठिनाई उठानी पड़ रही है। लेकिन इस कठिनाई के दरमियान राजनीति का अलग संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम जो हैं उनको अलग थलग कर रखा है, कोई भी बीजेपी का नेता उनके इर्द गिर्द नहीं घूमता नजर आ रहा है। तो आखिरकार नीतीश चल क्या रहे हैं, चाल कैसी है, इस चाल का अंदाजा तो उनके आस पास बैठने वाले लोगों को भी नहीं है। लेकिन सियासत में अगर कहा जाए तो बिहार में सियासत के असल चाणक्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, न किसी को बताते हैं न किसी को जताते हैं, जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।